हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभासनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे सुपर टेस्टी छेना करी। इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको बनाने के लिए 500 ग्राम छेना लिया है। इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे, 2 चम्मच डालकर इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैदा डालने से इसको हम जब छेने को छानेंगे उस वक्त छेना नहीं फिटेगा, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच मैदा डाला है। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद मैंने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लिया है। अब हम इसको तलेंगे। छेना को तलने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें छेना के जो बॉल बनाए थे उसको भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर इसको डालेंगे। गैस की फ्लेम को पूरी तरह से लो कर देंगे और इसको हम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। छेना यहाँ पर अच्छी तरह से तल चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। सारे छेने की बॉल को मैंने तल लिया है। अब हम अगले प्रोसेस में चलते हैं। मसाले बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 1/2 प्याज, 2 लाल मिर्च, अदरक, आठ से 10 लहसुन की कलियां और 1 चम्मच जीरा डालकर इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। हाफ चम्मच शुगर। शुगर थोड़ी सी रेड कलर हो जाने के बाद अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए मसाले को डाल देंगे। अब हम मसालों में डालेंगे 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, इसके जगह आप मीट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टमाटर डालकर मसाले को हम 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसको हमें 3 से 4 मिनट तक पकाना है।
मसाले को पकाने में पूरे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता और 1 आलू को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसको भी हम डाल देंगे। डाल के इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। मैंने यहाँ पर 1 ग्लास पानी डाला है, इसको अच्छे से मिला के इसको ढक कर 4 मिनट के लिए पकाना है। इसको ढक कर गैस के फ्लेम को मीडियम फ्लेम में रखकर इसको हमें 4 मिनट के लिए पकाना है। 4 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोलकर इसमें हम छेना को डाल देंगे। छेना को डालकर इसको हम और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इसको हम ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब हम ढक्कन खोलेंगे। देखिए करी हमारी रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। डालकर इसको हम अच्छे से मिला के गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारी सुपर टेस्टी छेना करी रेडी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगा है तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।